अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी सब ठीक हैं। और रोज़ाना की बेसिस पे, क्योंकि ये शो वैसे तो पूरा वीक ही चल रहा होता है, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे शेफ़साद होते हैं आप लोगों के साथ, और थर्सडे फ्राइडेज को मैं होती हूँ शेफ सबा। एंड रोज़ाना जो लोग नए ट्यून इन करते हैं, वेलकम टू द शो यू गाइज। आप लोग शोज़ हमारे जितने भी पहले के एपिसोड्स हैं आपको पता है यूट्यूब पे कैच कर सकते हैं, अपना फीडबैक वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, प्लस इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता ये कि आपके फीडबैक से ना हमें आइडिया हो रहा होता है कि लाइक आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको जो चीज़ें बना रहे हैं वो आप अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे बता सकते हैं, और उस तरह वाले। और प्लस आप लोग वहाँ पे रिकमेंडेशन सजेशंस भी छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि हमें पता चले कि किस तरह की ऑडियंस कॉन्टेंट कंज्यूम कर रही है और वो फर्दर क्या देखना चाहते हैं और या क्या सीखना चाहते हैं इन दिस केस। तो या वहाँ पे आप लोग करते रहा करें, ऐसे हमसे चिट चैट उधर भी, यहाँ पे कॉल्स का भी ऑप्शन होता है शो पे, तो ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा वी विल जस्ट जंप राइट इन टू टुडेज शो, दैट इज़ ऑल्सो अनदर रमज़ान डेडिकेटेड शो। इसमें भी हम लोग ना वो बना रहे हैं चिकन चीज़ बॉल्स एंड एक डिज़र्ट है, वेरी क्विक वेरी ईजी, बस सिर्फ असेंबली है उसके अंदर, जल्दी से हो जाता है, और 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, और इजी सा निफ्टी सा डिज़र्ट है, घर पे बन जाएगा जल्दी बस। लेकिन कोई भी डिज़र्ट इन्जॉय करने के लिए, अनलेस वो डिज़र्ट गर्म खाया जाता है, क्योंकि कुछ डिज़र्ट्स गर्म भी खाते हैं राइट, बहुत सारे एक्चुअली, लेकिन उसको आपको पहले से बना के रखना होगा, और फ्रिज टाइम उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, 4 to 6 hours। तो असेंबली तो मैं आपको आज दिखा दूँगी, अभी दिखा दूँगी शो पे, लेकिन अगर एक्चुअली उस डिज़र्ट को आपने एंजॉय करना है घर पे बना के, तो 4 to 6 hours मिनिमम टाइम है उसको फ्रिज में रखने का, सही है। 8 hours एंड ओवरनाइट भी कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, जितना आपने पहले उसको बना लिया है डिज़र्ट को। डिज़र्ट हमारे पास है बेरी ट्राइफल, बेरी इसलिए क्योंकि देखें हमने चॉकलेट ट्राइफल वैसे पहले कवर किया हुआ है, बेरीज स्ट्रॉबेरीज आई हैं सीज़न में, तो अगर उनको यूज़ करके, और इफ़ यू वांट यू कैन मेक दिस वेरी ईजी वेरी क्विक डिज़र्ट। रमज़ान अपकमिंग है, डिनर्स और उस तरह से गैदरिंग्स होती हैं, तो यू कैन मेक दिस, इट्स अ क्राउड प्लीजर, ठीक है, क्राउड प्लीजर। ऑलराइट, एंड द चिकन चीज़ बॉल्स, दे आर एब्सोल्युटली डिलिशियस एंड ईजी एट द सेम टाइम। उसके लिए हमारे पास है कीमा, ठीक है, मिन्स चिकन 400 grams, वैसे मैंने आधा किलो ले लिया यहाँ पे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपने ज़ाहिर है ज़्यादा कीमा करेंगे तो फिर स्पाइसेस वगैरह उस तरह से बनानी होगी, बाकी कोटिंग के लिए आपको पता है इतना नहीं लगता है, आखिर में बच ही रही होती है ना चीज़ें। सो चिकन का कीमा है 400 grams, और फिर है मैश पोटैटोज़ हैं, मैश पोटैटोज़ और फ्राइज़ के लिए पोटैटोज़ दो अलग फॉर्म में लिए हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि फ़्राइज़ अलग से बनाएँ और मैश पोटैटोज़, ताकि आप ये चिकन में ऐड करके और फिर अच्छे से उसके बॉल्स बनेंगे, उसके बीच में चीज़ ऐड करेंगे और फिर उसको कोट करके फ्राई करेंगे। फिर हमारे पास कोटिंग के लिए है फ्लावर, अपने हिसाब से ले लीजिएगा, 200 grams, 300 grams, सेम गोज़ फॉर ब्रेड क्रम्स, 200 grams, दो अंडे, क्योंकि एक से थोड़ा ही ज़्यादा चाहिए होता है तो वो दो अंडे पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर चीज़ है जो हम बीच में स्टफ़ करेंगे, उसके अलावा आपके पास हैं सारी सीजनिंग्स हैं, काली और सफ़ेद मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सिरका, सोया सॉस भी है इसमें, अभी आएगा सोया सॉस, और ये है लाल मिर्च और नमक, और इसके अंदर आपने ऐड करना है धनिया और प्याज, ठीक है। ये सब कुछ एक बोल में कंबाइन करना है, बोल में कंबाइन करना है ये सब कुछ। मैं एक बोल निकाल लेती हूँ यहाँ पर, और फ़िलहाल कोई चॉपिंग नहीं है, थोड़ी देर बाद है तो थोड़ी देर बाद रखेंगे, स्ट्रॉबेरीज को कट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम स्पैटुला ढूंढ रहे हैं, पहले तो ये रहा, ये हो गया। आपने इसमें डंप करना है चिकन का कीमा, और ओके, आज का हमारे पास सवाल भी है, चिप्स को फ्राइज़ को क्रिस्पी रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, और सही जवाब देंगे आप लोग। तो हमारे पास है स्मार्ट ड्राई आयरन, ओके, एनएक्स की स्मार्ट ड्राई आयरन, और यस प्लीज़ कॉल इन और बताएं जवाब देके कि क्या चिप्स को क्रिस्पी रखने का क्या मेथड है, क्या तरीका है।
अच्छा जी, चिकन के कीमा में ऐड कर दिया है काली मिर्च हसबे जायका, सफ़ेद मिर्च ऑल्सो हसबे जायका, या एक टीस्पून आधा टीस्पून, ठीक है, और लाल मिर्च हसबे जायका। इसके अंदर चिकन बोल रही हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दें, आई थिंक ये पूरा ही डाल दें, 1 टेबल स्पून, अ लिटिल लेस देन 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा कम 1 टेबल स्पून से, और इसमें ऐड करेंगे सिरका 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका है और सिरका भी है इसमें, तो इतना ज़्यादा नहीं, वैसे अंदाजे से 1/2 टीस्पून, ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या है, गिरे प्याज, प्याज ऐड करेंगे और धनिया, थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है, बाकी इसमें आ गया है, ठीक है, और इसमें ऐड होगा फाइनली मैश्ड पोटैटो, ठीक है। ये सब कॉलर है नबीहा फ्रॉम मुल्तान, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक गलत नाम पर नहीं, मेरी बेटी है ना भैया, वो भी बात कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, श्योर श्योर, ओके। सारी फैमिली मिलके आपका शो देखते हैं। ओह दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। बेटी जो है 8 इयर्स की है, तो अभी से उसे थोड़ा सा कुकिंग का शौक है। ओह जबरदस्त, देख के सीखते हैं कुछ चीजें। क्या करते हैं आज, मतलब आपका जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं और उससे कुछ ना कुछ लर्निंग का शौक भी आता है बच्चों में, और ऑब्वियसली कुछ हम डिशेस को ट्राई भी करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। खास तौर पे ये आज जो हमने कॉल किया है वो स्ट्रॉबेरीज को देख के, ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। यस, और आप बिलीव करें हम मुल्तान में रहते हैं, पेंट्री में जो ग्रह शराब है उसकी जो आस पास एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो होती है। अच्छा, नाइस। और हम खास तौर पर जाते हैं और वहाँ से बड़ी सी बास्केट में ले जाते हैं। जबरदस्त भाई। और मैं आपको एक और टिप, सुनने वालों के लिए, बहुत से लोग करते भी होंगे, इसको ना सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। आप वॉश करते हैं तो ये खराब हो जाती है, ज्यादा देर रह नहीं सकती है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के नीट क्लीन करते हैं इनके, बिल्कुल वो ग्रीन पार्ट काट देते हैं और फिर इनको फ्रीज कर लेते हैं। अच्छा, फिर हम इसके मुख्तलिफ पैकेट बना लेते हैं, और बिलीव यू भी पिछले साल भी हमने किया था और कई सालों से कर रहे हैं। फिर खासतौर पर जब रमजान में, अभी तो मार्च में आ जाएगा लेकिन पहले काफी गर्मियों में आता था, तो उस वक्त तक हम इसको रखते थे, उसका शेक हम कार में यूज करते थे। बिल्कुल, ये है तरीका स्ट्रॉबेरीज को स्टोर करने का, बहुत सही कहा आपने। ये एक छोटी सी टिप थी, अभी नबीहा से बात कीजिए। बिल्कुल, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटे? ठीक। कौन सी क्लास में हो आप? 4 में हो। मामा के साथ किचन में काम कराते हो? जी हाँ। क्या बनाया है इस दफा रमजान के लिए, कुछ बनाओगी अम्मी के साथ? जी हाँ। आपको क्या पसंद है? मुझे दही भल्ले पसंद है, पकौड़े पसंद है। अरे जबरदस्त, दही भल्ले बड़े मजे के बनते हैं, मामा बनाती है मजे के? जी। चलो आज बन रहा है स्ट्रॉबेरी डिजर्ट, वो भी देखना और ट्राई करना, फिर बताना मुझे, ठीक है? जी। चलो आपने सवाल का जवाब देना है। सवाल पूछा था? हाँ, सवाल था कि चिप्स फ्राइज जो होते हैं, फ्रेंच फ्राइज जो हम बनाते हैं, उसको क्रिस्पी रखने के लिए क्या करते हैं? ये बच्चे हमारे बहुत पसंद करते हैं, ये नबिया खासतौर पर हम घर में भी बनाते हैं, और पूरा एक बॉक्स मिलता है केजी का, वो हम लेके आते हैं, और ये इसका फेवरेट लंच है। अगर हम चाहते हैं कि ये अवॉइड करें, बट अनअवॉइडेबल है अनफॉर्चुनेटली। हम करते क्या है, अगर घर में कभी बनानी हो तो इसको बहुत ही ठंडे पानी में आलू काट के रखते हैं, और फिर बहुत हाई फ्लेम पे उसको फ्राई करते हैं, लेकिन फ्रैंकली बाजार नहीं बनते हैं घर में, तो आई डोंट नो आपकी अकॉर्डिंगली मैं आंसर दे सकता हूँ, बट कोशिश करते हैं। आपने दे दिया है लाइक 50% आंसर दिया है। एक और मेथड भी है, और उस वो भी यूज़ करते हैं, लाइक मेथड एज इन प्रोडक्ट है जो उसको यूज़ करके और फिर क्रिस्पी भी बनते हैं फ्राइज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हम
ब्रेक पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और ये अच्छा, हाँ जस्ट बाय द वे, हमने सारा चीज़ें ऐड करके मिक्स कर लिया, इसको बॉल्स बना के बीच में चीज़ स्टफ करके और फिर फ्राई करना है, ठीक है। आप लोग ब्रेक पे जाइए और या सी आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग ब्रेक द नेक्स्ट वर्ल्ड। ओके हाय यू गाइस, वेलकम बैक। हाँ हाँ, मैं ना देखें ये बना लिए हैं, मैं ऐसी सोच रही थी लास्ट कॉलर बहुत स्वीट थे, द फादर एंड डॉटर डुओ, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑलराइट, मैंने ना यहाँ पे देखें चिकन बॉल्स बना दिए हैं और मैंने इधर तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं, थोड़े से बन जाएँ फिर एक साथ फ्राई करेंगे, सही है। मीन वाइल आई एम स्ट्रगलिंग विद दीज पजामाज, खैर ये नहीं करते, ग्लव्स वालों को लगता है बस एक ही साइज के हाथ हैं दुनिया में। तेल बातें कर रहे हैं, हेलो, इसको भी हटाते हैं। अच्छा जी, ये मैं सोच रही हूँ कि ना बस जो हो गए इनको करके ना फिर फर्दर करते हैं, थोड़ा सा फैल भी जाए ये आटा मैदा। अच्छा जी, क्या है हमारे पास, भाई कॉल्स करें ना, बातें करते हैं। इसके अंदर आ गई कॉल, आ गई निदा फ्रॉम इस्लामाबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना जी जरा मिक्स क्रिस्पी बना लें, तरकीब बता लें क्या करें, चिप्स क्रिस्पी बनाने की तरकीब। हाँ वो क्या थी सवाल का जवाब? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, बताओ बेटा। आपने क्वेश्चन पूछा था, वो उसका आंसर ये है कि हम उसको मैदा और कॉर्नफ्लोर लगाते हैं। ओए होए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। और कुछ? आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आप क्या खाते हो रमजान में, कुछ स्पेशल बनता है घर में और नॉट? ओके नाइस, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ आपका भी ऐड कर देते हैं आंसर। फिर आपको बताएंगे शो के एंड पे, सही है। ऑलराइट, को ज्यादा क्रिस्पी करने के लिए हम उस पे कॉर्नफ्लोर या मैदा लगाते हैं। हाँ चलो ठीक है, डन। और बताओ। अच्छा शबापी, आपने आज फेटो चीज बॉल्स बनाए हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं रमजान में या फिर वैसे बहुत शौक से खाती हूँ। थैंक यू सो मच। स्वीट, मैं आपके लिए तो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू बेटा, घर पे ट्राई भी करना। शबापी आपको कौन सी
आपको कौन सा फूड पसंद है? हाँ, गुड क्वेश्चन. अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे सब तरह का खाना बड़ा पसंद है, लेकिन फ्राइज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना, तो मुझे फ्राइज़ का दिल चाह रहा होता है. मुझे भी वो बहुत पसंद है. है ना, मज़े के होते हैं फ्राइज़. जी, अल्लाह अल्लाह बेटा, थैंक यू फॉर कॉलिंग. स्वीट इस्लाम रहीम, थैंक यू आयज़ा, थैंक यू फॉर कॉलिंग बेटे. ये हो गया. बॉल्स रेडी हो गई हैं और बॉल्स चली गई हैं. मैं सोच रही हूँ एक और राउंड लगाएं क्या इसका, क्योंकि सिक्स इज नॉट इनफ. नॉट इनफ. Let's just go in one more time. Mess all around. Love the mess. Kidding. अच्छा जी. Call करें भाई. Question चल रहा है. Question एक दफा repeat कर रही हूँ. Prize. बच गया. इसको नहीं चाहिए थे, यहाँ रख देते हैं. ओके, फ्राइज़ को क्रिस्पी करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, फ्राइज़ को क्रिस्पी करने के लिए किस तरह से क्रिस्पी करते हैं? ठीक है, सब घर में फ्राइज़ बनते ही हैं, सो आई एम गेसिंग, मतलब पता ही है सबको इसका आंसर. मैंने लास्ट टाइम भी अहमद फ्रॉम मुल्तान. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम आपकी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक. सबसे पहले जो है ना, बहुत मुश्किल से कॉल मिली है. मैंने ना एक फरमाइश करनी थी, प्लीज वो तो पूरी कर दें. हाँ हाँ, करें ना. वो ना एनर्जी ड्रिंक बनाने सिखा दे रमजान के हवाले से, कि ना सारा दिन रोजा होना, तो ऐसा कोई ड्रिंक सिखा दे जिससे जो है ना एनर्जी आ जाए. चलें ठीक है, डन. जी, और मैंने ना आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था. जी बताएं. चिप्स या फ्राइज को अगर जो है ना, अगर हमें क्रिस्पी करना है, तो सबसे पहले उसको ना ठंडे पानी में जो है ना 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसको निकाल कर कॉर्नफ्लावर छिड़केंगे, और जो है ना मजीद जो है ना उसको छिड़क कर 2 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर छिड़क कर नमक या कोई काली मिर्च वगैरह डालकर और उसको जो है ना फ्राई कर लेंगे, तो इससे जो है ना चिप्स और फ्राइज जो है वो क्रिस्पी बन जाए. वाह भाई, जबरदस्त. ठीक है, आपका भी नोट कर लिया है आंसर, और स्टे ट्यून्ड ताकि आपको पता चले आखिर तक. सही है, और आपकी एनर्जी ड्रिंक को मैं करती हूँ, आई विल वर्क ऑन इट. सही है, मेरे पास अभी कितना टाइम है, 1-2 हफ्ते ही हैं, उसमें हम इसको कवर करेंगे. ठीक है, क्या कह रहे थे, हाँ ब्रेक ले रहे हैं हम, तो ब्रेक लेने जा रहे हैं हम लोग. आप लोग कहीं मत जाएगा. कीप वॉचिंग ब्रेक फॉर द एक्सपर्ट. सी यू आफ्टर द ब्रेक. गाइस वेलकम बैक. अच्छा जी, देखें हमने बना लिया, सारा बना लिया, और बस ब्रेड क्रम कोट करके और फिर इसको फ्राइंग के लिए रख देते हैं. अच्छा जी, थोड़ा सा हमको जगह दो. ठीक है, ये बड़े वो फाइन वाले ब्रेड क्रम्स हैं, 2 तरह के हैं मार्केट में अवेलेबल. अगर घर पे आप अपनी ब्रेड से बना रहे हैं ब्रेड क्रम्स, तो वो उसको ग्राइंड कर लेना, बाकी मार गिर रहा. और नहीं तो ये फाइन वाले हैं मार्केट में, मेरे पास दोनों तरह के थे, पर ये वाला पैकेट थोड़ा वो था, लाइक यूज़ कर सकती थी और वो सील्ड था, तो मैंने वो रहने दिया, इसको यूज़ कर लिया. हर तरफ गिर रहा है. वेरी नाइस. अच्छा, मुझे ये करके और इसको ऑयल में डालना है. ऑयल ऑलरेडी वो है, जल रहा है, और इसको लाइक स्लो पे कर दिया है. ठीक है, फर्दर मैंने आपसे बात करनी थी बेरी ट्राइफल के ऊपर. एक तो कॉल करके जवाब दे सकते हैं जो क्वेश्चन है, कि चिप्स फ्राइज़ को क्रिस्पी कैसे करते हैं. ठीक है, वो मेथड आप बताएं. कॉल है क्या? हाँ कॉल है. यास्मीन है वाह कैंट से. नाइस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी रेसिपी देखती रहती हूँ. बहुत अच्छी रेसिपी होती है आपकी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
और मैं देख रही थी तो वो आप अभी चीज बॉल बना रही हैं जी हाँ. तो सबा वो क्या हम चीज बॉल में ये जो आपने मीट डाला है क्या हम इसको रेशा करके भी डाल सकते हैं या जरूरी है कि कीमा ही डालें? नहीं नहीं बिल्कुल आप रेशा करके डाल सकते हैं 100%. बस रेशा में फिर एक काम ये कीजिएगा कि उसके अंदर ना आप अंडा भी तोड़ देना एक, क्योंकि रेशा चिकन है ना थोड़ा अगर ड्रायर साइड पे है तो फिर वो बॉल्स बनाने में थोड़ा तंग करेगी और वो चिकन का रेशा शायद बागी हुआ हो. ये कीमा था ना तो ये सॉफ्ट था और मॉइस्ट था, उस तरह से तो बॉल बनाने में इतना नहीं लगा टाइम और मुश्किल भी नहीं हुआ. ठीक है बहुत जबरदस्त रेसिपी लग रही है आपकी, मैं जरूर ट्राई करूंगी प्लीज. बहुत अच्छी थैंक यू. आंसर दे दूं आपके सवाल का? जरूर जरूर बताइएगा. कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं हम लोग. चलें ठीक है थैंक यू थैंक यू. और मुझे बताएं रमजान में क्या खाते हैं आप लोग? चलें आपका आंसर तो सही था. ओ ये नहीं बोलते लेकिन चलें आपसे पहले भी लोगों ने कॉल किया था. थोड़ा सा क्लियरेंस करें. अगर क्लियरेंस वी डोंट नीड दिस एनी मोर और दिस. अच्छा जी हाँ मैंने एक बात करी थी. कॉलर से पहले आओ मैंने अपना हाथ मार दिया नल पे. कॉलर से पहले मैं एक बात करी थी और वो ये थी कि हमने ना क्या करना है. स्ट्रॉबेरीज आई हैं. स्ट्रॉबेरीज कहाँ हैं? ये रही. तो स्ट्रॉबेरीज के साथ हमने ना जैम में एक सॉस बनाना है जो हम अपने ट्राइफल में ऐड करेंगे. अच्छा तेल थोड़ा सा तेज़ कर देना. थोड़ी सा तेल हो गया जब तक हम ये कर लेते हैं. एक और एक बस एक एक, एक. अगर आप स्ट्रॉबेरी जैम ले रहे हैं और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ले रहे हैं जैम नहीं सॉरी स्ट्रॉबेरी सॉस ले रहे हैं जो है मार्केट में है अवेलेबल. नहीं तो आप घर पे भी आपको पता है ना प्यूरे करके और उस तरह से बना सकते हैं हैंड ब्लेंडर में पीस के उसको, तो वो अच्छे से आपका मज़े का सा ना गाढ़ा सा सॉस बन जाएगा. गाढ़ा सा सॉस बन जाएगा ठीक है. तो वो कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि वैसे जो मार्केट में अवेलेबल है ना सॉसेस वो थोड़े से लाइक पतले से हैं, थोड़े रनी हैं जैसे लिक्विडी हैं, तो वो चीज़ नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए. तो उसके लिए आप उसमें क्या करें कि स्ट्रॉबेरीज काट के और ऐड करके और पका लें ठीक है. हाँ यही करूँगी मैं अभी. यहाँ पे भी आलिया बतूल फ्रॉम खैरपुर. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. आप बहुत प्यारी लग रही है. थैंक यू. और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है और मैंने फरमाइश भी करनी थी. फ्राइड आइसक्रीम तो बनाना सिखा दें प्लीज. फ्राइड आइसक्रीम मुझसे की है पहले भी फरमाइश की थी पर सर्दियाँ आ गई थी इसलिए होल्ड हुआ था. अब चले करते हैं फ्राइड आइसक्रीम. और मैंने जवाब भी देना था. ये जो चिप्स और होती है ना इसको ना ठंडे पानी में डिप करके और कॉर्नफ्लावर के साथ और मैदे के साथ भी इसको क्रिस्पी किया जा सकता है. अगर ज्यादा हो तो अंडा भी डालते हैं. अच्छा चलिए तो हम लोग डालते हैं अंडा भी. अच्छा जबरदस्त जबरदस्त. चले ठीक है थैंक यू. जी थैंक यू आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फ्राइड आइसक्रीम की एक दफ़ा पहले भी मुझे याद है रिक्वेस्ट किया था किसी ने. मैं देखूंगी ना अगर यूट्यूब पे जाके तो नज़र आएगा कि किसने कहा था. फ्राइड आइसक्रीम के लिए स्पेशल अपैरेटस चाहिए होता है या आपको बैक एंड फोर्थ फ्रीज़र में भाग भाग के और उसको रखें और यू नो इस तरह वाले. रुबीना फ्रॉम कराची. हेलो अस्सलाम वालेकुम. भाई सब से बातें करवाते हैं. हाँ ये नहीं मैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे को मेरी तरह है, जैसे वो मुझे प्यारी, आप भी मुझे वैसे प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, दे पंचल पाते सच्चे में, कामयाबी दे, तरक्की दे, हम साला को भी। थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं बहुत अच्छी लगी, थैंक यू जी। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल बताएं। जैसे मैं ठंडे पानी से निकाल के ना ऊपर से कॉर्न फुला चावलों को डाल देती हूँ, फिर यकीन के ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं ना चिप्स। हाँ चलें ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत स्वीट हैं आप, थैंक यू। स्वीट, हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे, एक सेकेंड हम ये बात करेंगे कि स्ट्रॉबेरीज मैंने ना अच्छी वाली प्रेजेंटेशन के लिए अलग कर दी हैं, छोटी वाली मैं सॉस में बनाऊंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्रेक में शायद बना लूं, इसलिए बता रही हूं। तो सॉस आपने ऐड करना है चूल्हे पे, पानी ऐड करें उसको थिन करने के लिए, अगर जैम यूज़ करें तो उसको थोड़ा पतला करना होगा, तो उसके लिए पानी ऐड कर सकते हैं या लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें स्ट्रॉबेरीज पकाएं और उसको फिर हैंड ब्लेंडर से, इससे, या अगर आपके पास वैसा वाला जो स्टैंडिंग ब्लेंडर होता है ना जग वाला, उसके अंदर डाल के उसको घुमा दें अच्छे से, वो हो जाएगा। थोड़ा सा चंकी रहने देना, बिल्कुल पेस्टी लिक्विडी नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा उसमें चंक्स हो। ऑलराइट, वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सी यू गाइस आफ्टर इट, कीप वॉचिंग विद द नेक्स्ट ब्रेक। हाय, अच्छा जी ये हो गया, हैंड ब्लेंडर चला दिया गया है, हमारी ना लेयरिंग करनी है स्ट्रॉबेरीज की, पहले वो, ओह नो, उसको पहले सही करें। फ्राइज़ भी ऐड हो गए हैं उसी वाले ऑयल में जिसमें चीज़ बॉल्स बने हैं, ठीक है, चिकन चीज़ बॉल्स, इसमें थोड़ा सा, हेलो अब्दुल हादी फ्रॉम लाहौर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबाबी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू शबाबी, आपने मेरे लिए फ्राइज बनाई। हाँ आपको अच्छे लगते हैं ना? Yes, बापी, मैंने आपका मेन्यू देखा था कल, आप मेरे लिए पाउंड के पका रहे हैं। यस यस, मैंने ना आपने बोला था उसी दिन मैंने फिर ऐड कर दिया था उसको। यस, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा, फ्राइज को क्रिस्पी रखने के लिए मैदा या कौन सा यूज करते हैं? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू हादी, स्वीट किड्स कॉलिंग। चलो जी इस प्राइज अपना स्वीट टाइम लेंगे, हम इनको दे देते हैं थोड़ा सा टाइम, और कहाँ रखूँ ये, यही है। अच्छी जी मुझे क्या करना था, ये रहा बॉल, बॉल बोल, इसके ऊपर से ना थोड़ी सी वाइपिंग करके, डिजर्ट बना रहे हैं बस, वो हो रहा है साइड पे खुद ही, सही है। अच्छा आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो, अच्छा कल तो मैं आपको ऑलरेडी पाउंड केक बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास घर पे पाउंड केक बनाने का टाइम नहीं है, कॉलर है, हेलो महानूर, हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। यस प्लीज, क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्न फ्लावर और मैदा इस्तेमाल करते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं अंदाजे में जरूर शामिल कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम बात हो रही है। चलें सही है, सही है। आप लोग वैसे कोशिश क्या करें, लाइक जल्दी जल्दी कॉल करें ना, ताकि वो उसमें ऐड हो सकें लिस्ट में, आई थिंक वो है। चलें ठीक है, ठीक है, आपको कंसिडर करते हैं, प्लीज़ कंसिडर करिए, कीजिएगा इनको। थैंक यू फॉर कॉलिंग, स्वीट कॉलर महानूर फ्रॉम बिहाड़ी, नाइस। मुझे इतना मज़ा आ रहा है जगहों के नाम सुन सुन के, इतना अच्छा लग रहा है, इतने डिफरेंट एरियाज़ में देख रहे हैं लोग शो, यू नो दिस इज़ नाइस। अच्छा जी मूविंग ऑन टूवर्ड्स द डिज़र्ट, आपके पास है पाउंड केक, कल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अगर आपका कल से मतलब अगर नहीं बनाने का टाइम ना, घर पे नहीं बना रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि बाज़ार से भी पाउंड केक ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी बेकरी पे इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको ऐसे करके क्रम्बल करना है, और अगर साइड पर फ्राइज़ बनना है तो उन पर भी नज़र रखना, वो ऊपर आ रहा है ऑयल,
कैसे है वो मैं भी चेक करती हूँ उसकी क्या स्टोरी है। खैर इसको ना आपने ऐसे करके चूरा सा करना है, ठीक है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन ईजिली डू दिस, जस्ट क्रम्बल इट अप विथ योर फिंगर्स और हो जाएगा ये डन डन। ठीक है ये हो गया परफेक्शन। यू जस्ट वांट टू गिव दिस, चलो जी ये हो गया, ये हो गया है, हम इसको उतार रहे हैं। ट्रेनर किधर है? ये रहा, नीचे है, ये सही है, ये गर्म नहीं है, ऐसे करो। ठीक है ये हो गए हैं रेडी, लेट्स पुल दीज गाइज आउट, गॉर्जियस, नाइस। यस सर। अच्छा जी ये कर रहे हैं हम, बस ये कर रहे हैं ना, इसके बाद फिनिश फिनिश फिनिश। चूल्हा बंद कर दिया है, प्लेटिंग करेंगे जब आप लोग जाएंगे ना रेसिपी कार्ड पे। और बस ठीक है डन। आओ जी यहाँ आ जाओ, स्ट्रॉबेरीज को थोड़ा सा वो करना है, कट कट करते हैं। आपने क्या करना है, एक हेफ्टी अच्छा सा यानी अच्छी सी तादाद में एक लेयर आपने डालनी है केक की बॉटम में, बेस में, ठीक है, और उसको फिर हाथ से, जैसे इसमें जगह है हाथ से, अगर नहीं है जगह आपके पास तो आप उसको कप से या जैसे मैं अपना वो ऑयल का वो ढक्कन यूज़ करती हूँ उससे, जो भी आपके पास है अवेलेबल उसको यूज़ करके इसको फ्लैटन आउट कर लें, ठीक है। नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। अच्छा इसके ऊपर फिर एक लेयर जाएगी, हमारे पास है कस्टर्ड, कस्टर्ड के अंदर आपने थोड़ा सा व्हिप क्रीम ऐड करना है, पैकेट का कस्टर्ड है, पैकेट का कस्टर्ड यूज़ कीजिएगा, ईजीली बनता है। मैं आपको आई थिंक नेक्स्ट वीक में किसी टाइम पे आई एम मेकिंग वनीला कस्टर्ड ऑन द शो, ठीक है, तो आपको होममेड कस्टर्ड की भी रेसिपी मिल जाएगी। वैसे भी आई एम गेसिंग यहाँ कि और बहुत सारे शोज़ हैं उन्होंने ऑलरेडी कस्टर्ड की रेसिपी दी हुई भी है, सो लाइक आप या बाज़ार से यूज़ करें या किसी की रेफरेंस कस्टर्ड रेसिपी यूज़ करते हुए कस्टर्ड यूज़ करना है, सारा पॉइंट्स ये है, सही है। सो उसके अंदर थोड़ा सा व्हिप क्रीम ऐड करना है ताकि वो बहुत थिक ना हो, ठीक है। इसको प्रेस डाउन कर दिया है, जेनरस लेयर है ये, चाह रही हूँ कि इसकी लेयर अच्छे से दिखे साइड से, और राइट अब एक क्विक वो है मूव मैं वो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस पर फर्दर क्या करना है, ठीक है। अच्छा आपने क्या करना है कि रेसिपी स्ट्रॉबेरी को कट करना है और इसको स्लाइसेस में करके, इसीलिए मैंने ना बड़ी वाली स्ट्रॉबेरीज पहले साइड पे कर दी थी कि उसको आपने कुछ इस तरह से ले डाउन करना है ऑन योर डिश, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ व्हाट्स गोना हैपन। अब ये फर्दर मैं इसको ना डिश को कंप्लीट करूँगी यही स्ट्रॉबेरीज से, इसी तरह की लाइन से। हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हम लोग रीकैप पे जा रहे हैं मीन वाइल, चलो ठीक है आप लोग जाएं रीकैप देखिए। और इसी तरह से आपने बस स्ट्रॉबेरीज लाइन करना है और उसके अंदर बीच में कस्टर्ड की और ये सॉस की एक लेयर आएगी, फिर ये केक दोबारा आएगा, ठीक है। इट्स अ ट्राइफल, इट हैज लेयर्स। ऑलराइट सी यू गाइस आफ्टर द रीकैप ब्रेक, कीप वॉचिंग विक्टर द एक्सपर्ट। चिकन चीज बॉल्स एंड चिप्स, अज्जा, आलू 500 ग्राम, चिकन का कीमा 400 ग्राम, हरा धनिया आधी गट्ठी, कटी प्याज एक अदद, मोत्सरेला चीज 100 ग्राम, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, फ्लावर कोटिंग के लिए, अंडे 2 अदद, नमक काली मिर्च हसबे जायका, लाल और सफ़ेद मिर्च हसबे जायका, सोय सॉस आधा खाने का चमचा, सिरका आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब,
चिकन के कीमे में तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिर थोड़े मिक्सचर में चीज़ डालें और रोल करके बॉल बना लें। मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब से कोट करके तेल में फ्राई करें। चिप्स और लाल चटनी के साथ सर्व करें। बेरी ट्राइफल अज्जा, पैकेट कस्टर्ड 300 ग्राम, पाउंड केक एक अदद साबुत, व्हिप क्रीम 300 मिलीलीटर, बेरी जैम 200 ग्राम, फ्रेश बेरीज 20 अदद। तरकीब, डीप सर्विंग डिश में तमाम अज्जा की लेयर्स लगाएं, लेयर्स सफाई से लगी हों और उन्हें रिपीट करें। फ्रेश बेरीज से गार्निश करें। सर्व करने से पहले चिलर में 4 से 6 घंटे तक रख दें। जब ठंडा हो जाए तो फिर सर्व करें। तो गाइस वेलकम बैक। अच्छा ये देखें इसको ना इस तरह से सेट करके स्ट्रॉबेरीज को बॉर्डर पे। अच्छा अगर इस तरह की सेटिंग करेंगे ना तो ज़रूरी ये है कि आप कोई ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ करें, यानी जो भी आपका ट्राइफल का डिश है ना, ताकि जो आप ये कर रहे हैं ना डिज़ाइनिंग, तो वो नज़र आए और प्यारी लगे। सही है। अच्छा इसको आप अच्छे से फिल कर दें। ठीक है, मैं इसको एजेस तक बिल्कुल ले जा के ठीक है बहुत इसको प्यार प्यार से साइड पे लेके गई हूँ, और आप लोग भी ये करना ताकि स्ट्रॉबेरीज की सेटिंग ना चेंज हो। ठीक है, और फिर इसको हम क्या करेंगे, बस मैं फिर लास्ट वो दिखा देती हूँ। इसके ऊपर ठीक है, इस पे आपने स्पून इन करना है अपना सॉस। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है साड़ा। चलो जी कर लेते हैं, चलो जी स्पून से स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, आपने इसके ऊपर अपनी लास्ट एंड फाइनल केक लेयर ऐड करना है। करीब आ जाओ। चलो जी जी, आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज शो। थोड़ा सा Alrighty. इसको बस फाइनल फिनिशिंग। Alright, this is done. मुझे इसको रखने लगा इधर साइड पर, मुझे भी देखना है क्या लग रहा है। गॉर्जियस, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके यो, ये आ गया वन लास्ट डेकोरेशन बिट, और आप फैन आउट कर दें स्ट्रॉबेरी को ऐसे करके। ऑल द वे नहीं कट करना, थोड़ा सा टॉप से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के, और फिर आपने उसके अंदर इस तरह से वर्टिकल कटिंग करके, और फिर इसको ऐसे करके फैन आउट करके, और ये चलें जी हम लोग जा रहे हैं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वाला रेसिपीज़, ये वाली रेसिपीज़ रिक्रिएट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। टेक केयर, लव हाफिज़।